इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स बोलने का मतलब है ना कि उससे आप मनी मेकिंग का काम कर रहे हैं, मतलब इवन कि इस कंट्री के, या फिर अगर हम ऐसा बोले कि इस स्टेट के जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है उसका, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, बच्चा बच्चा जानता है कि हनी का क्या यूज है, मुझे पढ़ाने की या सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हनी भी देखिए कितनी यूजफुल है कि इसके, हनी के बगैर आप भले ही किसी सोप में देखा हो आपने कि उसने हनी का यूज कभी ना करा हो, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट में जरूर बोलेगा कि हमारे पास क्या है, हनी है। इसके बहुत सारी हनी की प्रॉपर्टीज है, बोला जाता है कि प्योर जो निकाला हुआ हनी है ना वो 1000 ईयर्स में भी खराब नहीं होता। ठीक है, पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब पूरी आयुर्वेदिक इंडस्ट्री जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो हनी पे। उसके टैबलेट्स बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो हनी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जो ममीज वगैरह है वो, उसकी जब रैपिंग करी जाती है तो उसमें भी किसका यूज किया जाता है, हनी का यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस्ड है, हनी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और एक और आपके पास, जब आप ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बी पॉलन जो है वो भी देखने को मिलेगा, ऐसे मैंने, ये देखिए ये आपको, जैसे आप सर्च करेंगे ना ऑनलाइन, तो ये ऐसे आपको डब्बा नजर आएगा, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग प्राइस नजर आएंगे। क्या है ये, अब ये हनी भी है, जैसे पहली बात तो ये कि जो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है उसमें भी 80% कराने में, 80% कराने में इन हनी बी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हनी बी का काम क्या है, पॉलन कलेक्ट करना। भाई ना चाहते हुए भी आपको दिख रहा है इसके फ्रंट पार्ट से, तो इसके अपेंडेजेस में बहुत सारा जो पॉलन है वो चिपका हुआ है, तो पॉलन ग्रेन जब यहाँ पे चिपका हुआ है तो ये हनी बी जब, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जब जहां से बी पॉलन कलेक्ट करते हैं, तो मैंने बच्चों को समझाने के लिए ये इमेज लगाया था, काफी यूजफुल है। तो हनी भी जब क्रॉस करेगी और ऐसे जाले जाले से एक दूसरे साइड भी बने होते हैं, तो उसमें से जब निकल के जाएगी तो होता ये है कि पॉलन गिरता 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 क्या होता है, ऐसे इस तरीके से जमा हो जाता है। तो कंपनी वाले तो ये क्लेम करते हैं कि भाई हमने तो पूरे प्योर फॉर्म में जो है ये ऐसे बंद करके आपको एक जार के अंदर दे रखा है, और इसका इतना बेनिफिशियल यूज है ना, मतलब आपके बॉडी में, आपके मेटाबॉलिज्म का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा ना जो इसमें लिखा नहीं होगा। आप ना एक, मतलब एंटरटेनमेंट के तौर पे आज सोते वक्त ना जरूर आप सर्च करेंगे एक बार बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बी पोलन, ठीक है, आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। इवन कि इसके टैबलेट्स भी बनाए जाते हैं जो एथलीट्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके उनमें यूफोरिया, मतलब जैसे ना पावर इन्हेंसमेंट के लिए भी इसके टैबलेट्स यूज में आते हैं, इस्तेमाल में आते हैं। बोलेगा हेयर ग्रोथ के लिए चाहिए, स्किन हेल्थ के लिए चाहिए, मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, इम्यूनिटी ग्रो करता, तो बचा क्या, फिर कुछ भी नहीं बचा। तो आपको ये समझ आ रहा है कि भाई डे बाई डे, डे बाई डे। और एक और चीज है, डे बाई डे हनी कॉस्टली भी होता जा रहा है। कॉस्टली क्यों होता जा रहा है भाई, लोगों का सारा ध्यान तो रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फोन, यही सब बनाने में है, तो ऑब्वियस है कि इन पे कोई ध्यान दे नहीं रहा तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। तो ये जो है ये बहुत बड़ा फायदा है, और आपने बहुत सारा ना केस स्टडी पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, हमेशा कुछ आईआईएम के स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा होगा कि वहां से वो, मतलब प्रॉपर सब कुछ पढ़ के आए, पूरी बिजनेस के बारे में वो पढ़ के आए, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनी से रिजाइन करके आ जाते हैं, उनका खुद का कई हजार करोड़ों का टर्नओवर आ जाता है। कई तो हनी हनी प्रोड्यूस करने वाले, मतलब एपीकल्चर बोला जाता है, कई तो उसमें एपीकल्चर से ही कंसर्न है। आप ऐसे भी यूट्यूब या गूगल पे भी सर्च करेंगे, आपको वहां पे भी बहुत सारे केस स्टडी सुनने, क्योंकि उन्होंने नब्ज पकड़ी, इस चीज को समझा। भाई आईआईएम सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है एमबीए कराने वाली, तो जो बच्चा वहां से पढ़ के आया है तो ऑब्वियस उसके सोचने का लेवल भी उतना ही ब्रॉड होगा। तो वो शुरू में तो गांव वाले उसको पागल बोलते, कहते ये बेवकूफ है, ये इतने लाख का पैकेज छोड़ के आ गया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये लाख का पैकेज इसलिए छोड़ के आया क्योंकि ये 1000 करोड़ का खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है,
ठीक उसी तरीके से अगली इंडस्ट्री आपकी जोम्बिक्स मोरी नाम है इसका, सिल्क वॉर्म है। ठीक है, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया, पहले मैंने कॉमन नेम लिखा है तो वही कर देती हूँ, पहले सिल्क वॉर्म ही कर देती हूँ ताकि आपको आसान लगे देखने में। बॉम्बिक्स मोरी इसका नाम है। और सिल्क तो भाई कितना कॉस्टली होता है पता ही आपको, मतलब जो सिल्क पहन के चलता है वो दिखाता है कि भाई मैं तुम्हारे से एक लेवल ऊपर हूँ। नहीं, सिल्क का कपड़ा जो पहनते हैं तो सोचते हैं भाई हम तो सबसे ज्यादा क्या हो गए, सुपीरियर हो गए। तो सिल्क इंडस्ट्री भी अच्छा खासा टर्नओवर जो है देता है, लेकिन ये बात एक आपने देखा होगा कि जो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, तो जैसे जिस तरीके से लेदर को पहनने से मना करते हैं कि उससे उसकी वजह से एनिमल्स को हार्म किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सिल्क का भी इस्तेमाल करने से मना करते हैं, क्योंकि सिल्क के थ्रेड को बनाने में, सिल्क के जितने थ्रेड्स बनते हैं उतने सारे बेचारे वर्म्स को किल किया जाता है कोकून वाले स्टेज में ही। आप देखेंगे यूट्यूब पे, इसको भी एंटरटेनमेंट के तौर पे देखेंगे, हाउ इज सिल्क प्रोड्यूस, तो आपको देख के फिर सिल्क पहनने का मन नहीं करेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अपने पसंद के लिए, फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए कभी दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग लैक इंसेक्ट की बात करते हैं। एग्जामिनेशन का जब क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो आपने उसके पैकेट के ऊपर ना रेड कलर का सील देखा होगा, आज भी वही सील आता है। रीजन ये है कि उसके टूटने के बाद ना वहां पे एक स्क्वायर हो जाता है और वो पता चल जाता है कि यहाँ से टूटा हुआ या उखड़ा हुआ है। तो रीजन क्या है, वो जो सील जो रेड कलर का करते हैं ना, वो एक्चुअली लैक है। जो लाह की चूड़िया जो बैंगल्स वगैरह बनते हैं ना, तो वो लैक इंसेक्ट है, इसी से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देने वाले इंसेक्ट्स थे जो कि कई स्टेट के, अब जैसे यहाँ बिहार में जो भागलपुर है तो सिल्क इंडस्ट्री के लिए फेमस है, बोला ही जाता है। ठीक है, हनी तो खैर ऑल ओवर इंडिया में हर जगह प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो इनका क्या है, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। फिर अब उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे वेक्टर्स पे आते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से किसी न किसी डिजीज को कॉज करने का जो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक बच्चे ने बोला था कि मैम लैक क्या होता है, हमने नहीं देखा है, तो मैंने ये दिखाया था उनको। हो सकता है आप में से भी किसी बच्चे को नहीं पता हो, तो ये लैक इंसेक्ट है और ये जो लैक प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, इसने अपना स्टैम्प इसके ऊपर लगाया, तो ये देखिए अब ये जहां भी इसको चिपकाएगा तो इसका जो स्टैम्प है वो बना ही रहेगा, तो इसको इजिली तोड़ सकते हैं। अच्छा, ये तो खैर है ही है। मैम हाँ जो हिबिस्कस में मिलता है वही इंसेक्ट है क्या ये? अब हिबिस्कस में कौन सा इंसेक्ट है ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब होते तो बहुत मैम सारे एक्चुअली एक इंसेक्ट है। व्हाइटिश टाइप रहता है सेम स्ट्रक्चर का। अच्छा, मुझे वैसा तो ध्यान नहीं आ रहा। आगे देखिए, पुराने जमाने के जो ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग्स वगैरह बनते थे ना, वो इसी लैक का बनाया जाता था। पहले बहुत पहले शर्ट के बटन्स वगैरह भी जो है ना इसी से बनाए जाते थे, जिससे वो इजिली टूट जाते थे, थोड़ा अगर ज्यादा प्रेशर डाला जाता था ना, या जैसे आज वॉशिंग मशीन में हम लोग धोते हैं उसमें अगर शर्ट डालते तो वो पूरा टूट ही जाता, क्रश हो जाता। ठीक है, तो ये तो आपने वो देख आते हैं, कुछ विलेंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले आपने क्या देखा, जो आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देने का काम करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, एक तो खैर ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये तो अलग ही मेंबर है, इसको तो आप प्रिंट कर लेंगे अपने ब्रेन में बिल्कुल। ये इसलिए मैंने दिखाया, इसको ऐसे सीधा करके देखिए, सीधा करेंगे अगर तो आपको क्या नजर आएगा कि जैसे राजा महाराजा जो होते थे उनका मुकुट जैसे होता है ना, ऐसे किंग जो होता था, तो बिल्कुल वैसा ही शेप है इसका। तो इसका नाम ही किंग क्रैब है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है किंग क्रैब। अब क्या स्पेशलिटी है भाई, लिविंग फॉसिल है ये। फिर आप पूछेंगे लिविंग फॉसिल क्या होता है, तो लिविंग फॉसिल हम उसको बोलते हैं जिसके इवोल्यूशन के बाद से लेके आज तक उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। इसका नाम है किंग क्रैब, बिल्कुल सही में वैसा दिखता भी है ये। ठीक है, निमुलस, निमुलस।
क्या याद रखना है आपको, ये लिविंग फॉसिल के एग्जाम्पल में, कि तो ये भी बहुत साल पूछा गया, लिविंग फॉसिल है ये। चलिए स्पेस का ले लेंगे, स्क्रीनशॉट इमेज से भी याद रहेगा आपको। एक लिविंग फॉसिल कराना था, वो भी कर ही लिया हम लोगों ने। उसके बाद देखिए, उसका अब हम लोग आते हैं फटाफट वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स मतलब जो डिजीज कॉजिंग होंगे ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सबका आपने नाम सुन रखा है। एनोफिलीज है, क्यूलिक्स है, देन एडीज है, सब वेक्टर है। सब किसे, सब किसकी वैरायटी है, सब मॉस्किटोज की वैरायटी है। पता ही आपको, सब के सब क्या है, ये मॉस्किटोज है। और एक बच गया आपका ग्रिगेरियस पेस्ट यहाँ पे। लोकस्ट, लोकस्ट। अब जाके आपका जो ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा है, ये कंप्लीट हुआ। और इसके ना बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जैसे मतलब इंटरेस्ट के तौर पे भी कभी जब आप देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है, कॉकरोच वगैरह सब इसी के अंदर आएगा। ठीक है।